टॉयलेट के ऊपर या नीचे कभी भी रसोई नहीं बनानी चाहिए। रसोई घर हमारे टॉयलेट के ऊपर या नीचे कभी भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम अगर सेकंड फ्लोर में रह रहे हैं या हम सेकंड ऊपर रह रहे हैं, तो आपकी रसोई नीचे चेक करें कि कौन सा कमरा है, उसके नीचे टॉयलेट तो नहीं है, या आपकी रसोई नीचे है और ऊपर किसी और का टॉयलेट तो नहीं है। इससे भी आपकी ड्रेनेज स्टॉप होती है और आपका जो कक्ष है, रसोई कक्ष है, वो बहुत पवित्र माना जाता है और जो टॉयलेट है वो बहुत नेगेटिव माना जाता है। इसलिए आपको बहुत दोष लगता है, वास्तु दोष। इसको घर का सबसे बड़ा वास्तु दोष माना गया है। दूसरी चीज, हमें कभी भी रसोई घर में मंदिर नहीं बनाना है। ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ, आप प्लीज इन चीजों का ध्यान रखा करिए। हमें कभी भी घर रसोई में मंदिर नहीं बनाना है, या रसोई में कभी भी किसी पूजा की या भगवान की फोटो नहीं लगानी है। कोई पूजा की वस्तु भी नहीं रखनी है, कोई भगवान की फोटो भी नहीं रखनी है। भगवान के लिए एक सेपरेट मंदिर बनाए। अगर आप एक रूम में रहते हैं, वही किचन है, वही मंदिर है, तो उसे छोटा सा मंदिर बनाए, उन्हें एक साइड पे रख ले। किचन के साथ अटैचमेंट ना हो आपके उस मंदिर की, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप किचन में मंदिर बनाते हो और किचन में किसी भी भगवान की फोटो लगाते हो, तो ये भी बहुत बड़ा वास्तु दोष माना गया है। तीसरी चीज ये है कि हमें कभी भी रसोई घर में दर्पण नहीं लगाना चाहिए। रसोई घर में अगर हम दर्पण लगाते हैं, क्योंकि जो रसोई है वो सूर्य की है और जो रसोई है वो हमारा चंद्र फायर है, और जो दर्पण है वो चंद्र है, वो पानी है। पानी और फायर को कभी मैच नहीं हो सकता, इसलिए ये भी एक वास्तु दोष। चौथी चीज ये है कि हमें कभी भी सिंक के नीचे कूड़ कबाड़ या डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। इससे भी बहुत बड़ा वास्तु दोष माना गया है। डस्टबिन एक साइड पे रख दें, उसे टाइम टू टाइम क्लीन करें, उसमें लिफाफा चढ़ाएं, उसको क्लीन रखें, सो दैट आपकी किचन भी क्लीन रहे। अगर क्लीन किचन रहेगी, ये साइंटिफिकली हाइजीनिक भी नहीं होगी, आप हाइजीन में रहोगे। और अगर हम वास्तु दोष के अकॉर्डिंग माने, तो ये भी बहुत एक बड़ा वास्तु दोष है। अगर हम सिंक के नीचे कबाड़ रखते हैं, सिंक के नीचे कुछ लोग बोतले रखते हैं, कुछ लोग डस्टबिन रख देते हैं, तो ये एक वास्तु दोष है। पांचवी चीज, कभी भी रसोई घर में जो हमारी स्लैब होती है, जो हमारा किचन स्टेशन होता है, जिसपे हम चूल्हा रखते हैं, जिसपे हम अपना गैस स्टेशन रखते हैं, वो मार्बल, उस पर ब्लैक कलर का मार्बल कभी नहीं लगाना चाहिए। ब्लैक कलर का मार्बल उसमें नहीं होना चाहिए। जिस घर में रसोई, आप देखें, आप इस चीज को आजमा कर देखें, जिस घर में स्लैब ब्लैक होगी किचन की, उस घर की लेडीज को सर्वाइकल की प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। मेरे घर में और मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, मैं इसीलिए ये चीजें पॉइंट्स निकाल रही हूं, सो दैट आपको वो प्रॉब्लम ना आए। अगर आपकी सेल्फ ब्लैक है, तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ एक शीट ले ले, वाइट शीट ले ले, वाइट शीट उस पर लगा ले, जैसे हमारी चिपकने वाली शीट आती है, वो शीट उस पर लगा ले, उसके ऊपर चूल्हा रखे। क्योंकि अगर जब हम ब्लैक के ऊपर चूल्हा रखते हैं, तो जो फायर की एनर्जी है वो नीचे नहीं जाती है, डंप नहीं होती है, तो वो ब्लैक से दोबारा ऊपर अट्रैक्ट होती है, तो हमें प्रॉब्लम्स आती है, हमारी हेल्थ को प्रॉब्लम्स आती हैं। जो उस घर की लेडीज हैं, उन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम डेफिनेटली आती है। आप देखना, अगर आपके घर में ब्लैक स्लैब है, आप नोटिस करना कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। एक नई से नई टिप्स। उसके बाद कब हमें अपने घर में सुबह शाम भजन कीर्तन जरूर लगाना चाहिए। भजन कीर्तन जरूर लगाएं, चाहे 5 मिनट के लिए लगाएं, सो लगाएं, जिससे हमारे पहले तो सबसे पहले हमें उठकर सारे घर के खिड़कियां दरवाजे खोल देने चाहिए। खोलकर फिर 5 मिनट के लिए भजन कीर्तन लगाएं। भजन कीर्तन से आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, जो नेगेटिविटी होगी दरवाजे खोलने से, वो नेगेटिविटी आउट हो जाएगी। ये चीजें आप करके देखें। सुबह उठते ही लेडीज को
अपने घर के दरवाजे खोल देने चाहिए, खिड़कियां खोल देनी चाहिए। मैं मेरे हस्बैंड से मैं गाल बहुत वो मुझे गुस्सा होते हैं क्या है सुबह सुबह किच किच लगा लेती है, लेकिन मैं सुबह उठते ही अपनी सारे डोर्स खोल देती हूँ। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि हमें अपने पूजा का समय निश्चित रखना चाहिए। पूजा का समय 6 to 8 होता है, वो उसमें ही पूजा करें। अगर उसके बाद या उसके पहले हम कर सकते हैं अमृत टाइम में, लेकिन उसके बाद अगर हम पूजा करते हैं वो पूजा मानी नहीं जाती है, वो पूजा सही पूजा नहीं है, वो राक्षस की पूजा होती है 8 बजे के बाद। तो आपको 6 से 8 के शाम को भी, 6 से 8 सुबह आपको इस टाइम में पूजा जरूर करनी चाहिए। तीसरी चीज ये है कि हमें कभी भी भोजन अपने बेड पर बैठकर नहीं खाना चाहिए। भोजन बेड पर खाने से हमारा मंगल खराब होता है, राहु खराब होता है, शनि खराब होता है, केतु खराब होता है। हमें ट्राई कीजिए कि अगर हम बेड पर बैठ के ना खाएं, जमीन पर खाएं तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो ट्राई कीजिए आप एक मील, अपने पूरे दिन की एक मील किचन में बैठकर जरूर लें। हमें कभी भी अपने घर का झाड़ू खड़ा नहीं रखना चाहिए। और कभी भी अपने जूते चप्पलें इधर उधर फैलाकर नहीं रखनी चाहिए। इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे, आपका घर वेल मेंटेन्ड होगा, साफ सुथरा होगा, तो महालक्ष्मी दौड़े दौड़े आपके पास आएंगी। उसके बाद हमें सबसे पहली रोटी गऊ की निकालनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमें कभी भी शाम के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, शाम के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू पोछा हमें सुबह ही लगाना चाहिए और 8 बजे से पहले लगाना चाहिए। उसके बाद हम एक बात और कहूंगी कि हमें अपना झाड़ू अपना पोछा हमेशा सुखाकर उसे अच्छी जगह पर जहां किसी की नजर ना पड़े वहां रखना चाहिए। कभी भी झाड़ू ऐसे ही फेंक कर नहीं रखना चाहिए, उसे अच्छी जगह पर, स्वच्छ जगह पर सुखाकर रखना चाहिए और किसी की नजर ना पड़े वहां आप अपना झाड़ू। उसके बाद हमें कभी भी टूटे हुए कंघे से अपनी बाल नहीं बनाने चाहिए। इससे भी हमें एक दोष लगता है, इससे क्योंकि जो बाल है ये शनि को रिलेट करते हैं। अगर हम इनको टूटे हुए कंघे से बाएंगे तो हमारा शनि खराब होगा, हमारे कर्म खराब होंगे और हमें बुरे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलेगा। उसके बाद हमें कभी भी कपड़े रात को बाहर नहीं सुखाने चाहिए। अगर हमने धो लिए हैं, शाम को धोए हैं, किसी कारण शाम को धोए हैं, तो उन्हें अंदर ही सुखाएं, अंदर ही किसी भी रूम में रख दें। लेकिन कभी भी हमें कपड़े छत पर नहीं सुखाने चाहिए रात को, क्योंकि रात की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो कपड़ों में चली जाती है और कपड़े हम पहनते हैं और हमारी एनर्जी होती है वो नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर हावी होती है। हमें कभी भी अपने कपड़े उलट फुलट कर नहीं रखने चाहिए। आपको अपनी अलमीरा वेल सेटल्ड रखनी चाहिए, कभी भी अपने कपड़े उलट फुलट कर नहीं रखने चाहिए, बिखार कर नहीं रखने। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत विशेष अच्छी बात है, मैं इस बात को बहुत अच्छा मानती हूँ। हमें जब भी हमारे घर मेहमान आए तो हमें उनका स्वागत गेट की दहलीज की अंदर से करना चाहिए और जब वो जाएं तो उन्हें सी ऑफ या बाय बाय जो भी आप करते हैं तो दहलीज के बाहर निकल कर करें, उनका आदर करें। अगर आप मेहमान का आदर करेंगे, आप आए हुए मेहमान का आदर करेंगे तो वो भगवान का रूप होते हैं, तो आपके घर में बरकत वृद्धि डेफिनेटली आएगी, ये मेरा मानना है। हमें उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एसी जो पानी छोड़ने लग गया, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, जब भी उपाय करें वो वैदिक होने चाहिए। तंत्र मंत्र के उपाय कभी नहीं करने चाहिए, अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर वो भारी पड़ते हैं, आप उसके स्वयं जिम्मेवार हैं। तंत्र मंत्र के उपाय होते हैं लेकिन आप उनके स्वयं जिम्मेवार हैं, आपको हमेशा वैदिक उपाय करने चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। दूसरी बात, जब भी आप उपाय करें वो कभी भी किसी को नुकसान देने वाले उपाय नहीं होने चाहिए, किसी को कष्ट देने वाले उपाय नहीं होने चाहिए।
तीसरी बात, जब भी उपाय करें आप अपने मन में श्रद्धा विश्वास से करें कि इस उपाय से, इस दान पुण्य से अवश्य मेरा भला होगा और दूसरे का भला होगा। कभी भी किसी का नुकसान कर अपना उपाय, अपना फायदा कभी मत सोचे। अगर आप ये सोचते हैं तो वो भगवान देखता है, तो वो डेफिनेटली आपका वो उपाय या जिस चीज के लिए आप वो कर रहे हैं वो कभी भी नहीं लगेगा। चौथी चीज, चौथा उपाय, जब भी आप उपाय करें तो आप खुला खर्चा करें। आप ऐसे मत करें कि मेरे इतने पैसे लग गए इस उपाय में, मेरे इतने पैसे लग गए। अगर आप इन बातों को विशेषता देते हैं, इन बातों का ध्यान रखते हैं, मेरा इतना खर्चा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो उपाय आपका कभी भी नहीं लगता, तो वो उपाय आपका व्यर्थ जाता है, उस उपाय से आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। पांचवी चीज ये है कि जब भी आप पूजा, दान या उपाय के लिए कोई सामग्री घर में लेकर आए तो ज्यादा, अगर आप वो उपाय नहीं कर पाए हैं तो ज्यादा देर तक उस चीजों को घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आपने नेक्स्ट डे उपाय करना है तो उससे एक दिन पहले ही उस उपाय की चीजें लेकर आए। अगर आप काफी दिन पहले रख लेते हैं चीजें लाकर और फिर उपाय करते हैं, वो उपाय आपका लगेगा नहीं, क्योंकि हमें दान पुण्य या उपाय की चीजों को ज्यादा देर, अधिक टाइम पर घर में नहीं रखना चाहिए। सो मेरी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत यूजफुल लग रही होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार करें। थैंक यू जो भी मेरे चैनल को वॉच करते हैं, जो भी चैनल को मेरे को प्यार देते हैं। आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं अगली वीडियो में भी मिलूंगी। रात तब के लिए शुभ शब्बा खैर, रात।